हमारा जो भारतीय दर्शन है वो अहिंसा मूलक दर्शन है। बाकी अलग अलग प्रकार के आइडियोलॉजीज के पूरे टकराव इतने भयंकर हैं, तो हम जो यह जो वैदिक संस्कृति का जो पूरा जो दर्शन है, जो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल गया है। जैसे आजकल यंगस्टर्स में मैं लेफ़्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, कोई कहता है मैं राइट की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, कोई कहता है मैं जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता हूँ, कोई बोलता है मैं जो है सोशलिज्म को फॉलो करता हूँ, कोई कहता है मैं स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करता हूँ, कोई कहता है मैं नेशनलिज्म को फॉलो करता हूँ। सब लोग अपनी आईडी बनाते हैं गुरुजी, फेसबुक की, ट्विटर की, और उस पर लिखते हैं मैं जो है मैं ये हूँ, तो अपना वो अपनी आइडियोलॉजी लिखते हैं उसमें कि मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो अब पूरी दुनिया में ये जो अहिंसक विचार है, जो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का विचार है, जिसके अंदर बड़े तत्व हैं जीवन के, इसका पूरी दुनिया में अब वर्चस्व होता जा रहा है। पूरी दुनिया तो देखो ताकत से चलती है। तीन तरीके हैं पूरी दुनिया को चलाने के। एक तो नंबर्स के आधार पर चलती है, किसको मानने वाले कितने हैं, किस देश के कितने सिटीजन हैं, किस विचार को मानने वाले, किस आइडियोलॉजी को मानने वाले कितने लोग हैं, सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को, और इसको जो है इस्लाम इस्लाम को, ईसाइयत को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, हिंदुज्म को, ऐसे स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, इसको बोलते हैं नंबर्स। फिर दूसरी होती है कि उनके पास में पावर कितनी है, पावर की। कई बार नंबर्स बहुत होते हैं लेकिन उनके पास पावर बहुत कम होती है। कई बार नंबर्स बहुत कम होते हैं, पावर बहुत ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक पावर, नॉलेज की पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, उनके पास पावर। जैसे पूरी दुनिया में जूस लोग बहुत कम होते हैं, फ्रेंच लोग बहुत कम हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत है। वो जहाँ जहाँ हैं बहुत ताकतवर हैं, खाली फ्रांस में ही नहीं, अनेक देशों में, चाहे वो मॉरिशस है, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, चाहे और कुछ अफ्रीकन देश हैं, चाहे वो और जहाँ भी दुनिया में है, तो बड़े ताकतवर हैं। और ताकत का आधार है उनका वो, उनमें नॉलेज बहुत होता है, माने पढ़ते बहुत हैं, उनमें अनुसंधान बहुत होता है, और वो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं, प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, और अपने आप को निरंतर बहुत, क्योंकि दुनिया में तो आध्यात्मिक प्रगति को की समझ तो बहुत थोड़े लोगों को है, भौतिक दृष्टि से बहुत प्रगतिशील होते हैं। तो दूसरी जो दुनिया में ताकत है वो की लड़ाई है। ताकत में जो है फिर ये इकोनॉमिक पावर आ गई, पॉलिटिकल पावर आ गई, आर्मी की पावर आ गई, कॉरपोरेट पावर आ गई, ऐसे ये दूरी सी पावर की लड़ाई है, एक नंबर्स की, एक पावर की। अब तीसरी एक चीज़ और खड़ी हो रही है पूरी दुनिया में, उसको बोल रहे हैं सॉफ्ट पावर। वो हमारा वह एरिया, हम जिस वर्टिकल में काम करते हैं, हम जिस दायरे में हैं, जो हमारा घटक है इस सृष्टि का, जिस घटक में हम लोग जी रहे, मैंने कहा ना अलग अलग घटक हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, और उन अलग अलग घटकों में अलग अलग तत्वों की बड़ी महिमा है। तो जिस घटक में हम हैं, जो इस सृष्टि के अंदर हमारी जो भागीदारी है, हमारे जीवन का जो प्रयोजन है, हमारी जो उपयोगिता है, वो इस सॉफ्ट पावर में है। पूज्य गुरु जी बोल रहे थे कि सारी दुनिया में आध्यात्मिकता का और अहिंसा का और मूल्य आधारित जीवन का, मूल्य आधारित विकास का, इसका प्रचार होना चाहिए। तो इसमें तो हम लोग ये काम आने वाले 10-15 सालों में कर सकते हैं, जैसे एक समय महात्मा बुद्ध जी ने किया था। जैसे अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने और भी किया है, अलग अलग उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मजहबी
विस्तार रहे हैं, अतीत में देखा है, राजनीतिक विस्तार भी रहे, सत्ताओं के विस्तार भी रहे उसके साथ साथ। तो आप लोगों के पास में अब कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पूरी दुनिया को शुभ से भर सकते हो। जो ये वेद का मंत्र है ना, इंद्रम वर्धन तो अप्त्र कणवंत तो विश्व मार्यम, इसका मतलब कोई दुनिया को आर्य समाजी बनाना नहीं है, ना कोई किसी पंथ का विस्तार है, ना किसी मजहब का विस्तार है, दिव्यता का विस्तार, शुभ का विस्तार, पवित्रता का विस्तार, अहिंसा का विस्तार, सुख का, शांति का विस्तार, ये है आर्यत्व, ऋजुता का विस्तार, सात्विकता का विस्तार। इंद्रम वर्धन्तु अप्सराः किण्वन्तु विश्वमार्यम्। हम स्वयं पहले तो ऐश्वर्य प्राप्त करें, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि विद्यार्थी काल में तो एक क्षण की भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपने शरीर की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बना लो कि 75 साल तक आपको देखना ही नहीं पड़े अपनी तरफ। जैसा जैसे मैं आज हूं आपके सामने, मैंने अपने शरीर के फाउंडेशन को बनाने में मुश्किल से 2-3 साल लगाए होंगे। मैंने शुरू में तो थोड़ा बहुत ही हमने प्रयास किया था, जब घर में थे तब थोड़े बहुत आसन शुरू किए थे, थोड़ा दौड़ना शुरू किया था। फिर जो है गुरुकुल खानपुर और कालवा में हमने ये 5 साल मान लो अधिकतम, मैं बता रहा हूँ अधिकतम 5 साल, कि भाई शरीर बलवान होना चाहिए। जैसे मेरी शुरू से ये आइडियोलॉजी बोलते हैं, ये शरीर के बारे में एक विचार था मेरा कि भाई शरीर बलवान होना चाहिए, शरीर से बीमार होकर के नहीं जीना, ये तो अभिशाप है, ये तो पाप है, ये तो अपराध है, ये तो जो है बहुत बड़ा भार होकर के जीना है, ऐसे कि जो ऐसे कमज़ोर होकर के जीते हैं। तो ये जागरूकता सब में एक जैसी नहीं होती है। अरे चलेगा सब ठीक, मैंने देखा अरे मोटे मोटे मिलते हैं मुझसे, डेढ़ डेढ़ दो दो क्विंटल के लोग, स्वामी जी मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कैसे हो, और मैंने हिला नहीं जाता और फिर भी दो दो किलो खा जाते। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो एक रेस्टोरेंट, जिनका आयोजक में एक रेस्टोरेंट वाले भी थे, मैं गया तो एक आदमी बैठा हुआ और उसके परिवार वाले बच्चे और बड़े सब दो दो किलो लेकर राशन लेकर के बैठे और खा रहे दमादम। मैंने ऐसा लगता है खा कैसे लेते इतना, परवाह नहीं। तो आप लोगों के सामने जो टारगेट है अभी, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, अपने शरीर के ऊपर काम करें। मैंने आपको बोला था अपने अपने शरीर पर काम करो, अपने मन पर काम करो, अपने विचारों पर काम करो, अपनी एनर्जी पर काम करो, और अपने अंततः इन सब के द्वारा अपना सामर्थ्य इतना बढ़ाओ। नंबर्स में तो हम लोग नहीं ज़्यादा बढ़ पाएंगे, ये तो मैंने जैसे कई बार बोला, हम तो लुप्त होती प्रजाति के हिस्से हैं। पूरी दुनिया में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जैसे गिद्ध जो है लुप्त होती प्रजाति, मोर है पूरी दुनिया में लुप्त होती प्रजाति है, गुरुजी पूरी दुनिया में बड़े प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया भी गए तो वहां भी हमको मोर मिला, तो बड़े खुशी भी देख करके, एक ही था देखने में पूरे लेकिन है वहां। फिर जैसे मैं दिल्ली में जाता हूँ तो वहां अपने आश्रम में मोर आ जाते हैं गुरु जी, जो दिल्ली वाला द्वार जो आश्रम है एयरपोर्ट के पास, तो वहाँ मोर आ जाते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत कम रह गए। इसलिए मोर को मारने पर 3 या कितने साल की सजा है गुरु जी, ऐसे काले हिरण है। आश्रम में 400-500 मोर है, माजरी आश्रम में। हाँ माजरी आश्रम में खूब मोर है। तो ऐसे कुछ लुप्त होती प्रजातियां जैसे शेर हैं, जैसे हाथी हैं, इनको प्रोटेक्ट किया गया पूरी वर्ल्ड में गुरु जी, अब इनकी हिंसा पर रोक है, चीन को छोड़ के, चीन में तो अलग ही तरह की दुनिया है, वहाँ तो जो है हर मतलब सारे जीवों के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं लोग। अब जैसे मैं उधर क्या बोलते हैं जो जहाँ पर वो मछलियाँ सब तरह की रख देते हैं, क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, क्या एक्यूरियम, एक्यूरियम में सैकड़ों तरह की मछलियाँ थी गुरुजी उसमें, तो उसमें शार्क मछली और शार्क के गुरुजी जो बड़ी मछली होती है ना शार्क की, तो उसके दांत तो गुरुजी देख करके ऐसा लगता है राक्षस जैसी लगती हो। आदमी को खाती नहीं गुरुजी, उसका खाना तो दूसरे जीव है, लेकिन आदमी को वो जिन मछलियों को खाती है उस जैसी आकृति का नजर आता है, तो पकड़ लेती है, और पकड़ते ही वो इतना तेज जबड़ा है उसका, वो पैर कट जाता है और इतना खून बह जाता है, उससे मर जाता है। आदमी को खाती नहीं हो शार्क। एक डॉल्फिन होती है जो आदमी को बहुत प्यार करती है,
और एक मछली एक बार इस एक विशेष हमने देखी इस बार, पहले तो मैं ज्यादा इन चीजों को ध्यान से नहीं देखता था, इस बार कुछ बच्चे भी थे साथ में तो बोले दिखा दो जी जो है, तो उन्होंने कहा चलो भाई देख लो भाई। तो एक गुरु जी 7-8 फिट उसकी लंबी पूंछ है ऐसे। फिर मैं समुद्र में गया तो वहां भी मिल गई, फिर तो बताया कि वैसे किसी को छेड़ती नहीं है वो, और जब गुस्सा आ जाए तो जब मारती है तो चीर देती है मतलब उसको जब कोई छेड़े तो ऐसी इतनी मतलब इतनी मोटी पूंछ होती है उसकी, और उससे ऐसे करती है। तो जो हम बात कर रहे थे, हम नंबर्स में शार्कत गुरु जी चाइनीज लोग उसके जो छोटे छोटे पंख होते हैं ना उसको काट करके ख़त्म कर दी पूरे देश से, उसका सूप पी जाते हैं, किसी के लीवर का, किसी के फेफड़े का, किसी के भेजे का, किसी का पंख का सूप पीते वो तो अलग तरह की दुनिया है। बाकी दुनिया में जो लुप्त तो होती प्रजाति उनको बचाया जाता है, जैसे यहाँ जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया में इनको कोई मारता नहीं है गुरु जी, इसको कवाला को और कंगारू को उनको मारते नहीं। अभी जैसे मर गए तो कितना बड़ा मातम बनाया गया उस पूरे देश के अंदर, और उसके लिए कितने कानून बने हैं अभी कि जो है ये कैसे जल गए। तो वहाँ भी कुछ लोबिंग होती है अलग अलग तरह के, तो कुछ लोग वहाँ गुरु जी जैसे ये गाँव शहर बसा है तो इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा एरिया काट के रख देते हैं, वहाँ पूरा क्लीन करके रख देते हैं कि जंगल में आग लगे तो शहर में ना आए। तो कुछ ये प्रकृतिवादी जो इकट्ठे हो गए कि भाई कहीं पर भी कटाई नहीं होनी चाहिए, बोले शहरों के चारों तरफ तुम जो ये आधा आधा किलोमीटर एक एक किलोमीटर जो तुम काट देते हो तो ये प्रकृति का विध्वंस होता है। तब वो अब वो सारे अब वो भाग गए बोरे बिस्तर बांध के। तो ये जो लोबिंग वाले होते हैं गुरु जी एनजीओ होते हैं भाग जाते हैं, अब शांत हो गए, अब पूरे देश में नया कानून बनेगा कि भाई काट सकते हैं जंगल, काटेंगे चारों तरफ से काटेंगे, जिससे कि ये जो इतना विध्वंस हुआ तो पूरे जंगल जल गए, करोड़ों जीव जल गए 4 करोड़ के करीब। तो लुप्त होती प्रजाति हैं हम लोग, तो नंबर्स में हम तो कम हैं, अब इतने अब चाहिए भी नहीं, पूरे संसार हो भी नहीं सकते। वो सृष्टि के जो रचना है उसमें ऐसा ही है, अपवाद रूप में ही ये यात्रा आती है हम लोगों तक। हम लोग इस सृष्टि के जीव की यात्रा के अंतिम पड़ाव के एक पूरा माने यात्रा चल रही है कैलाश मानसरोवर की, और जो है फिर उससे भी ऊपर पहुंच गए फिर या एवरेस्ट की, तो कुछ नीचे नीचे चोटियां फतह कर लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी फतह करने के लिए बहुत उसमें कुशल व्यक्ति चाहिए। तो जीवन की यात्रा में सब धीरे 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 जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ठोकरे खाते हैं, बहुत तरह से बीच में अवरोध हैं, वहाँ रुक जाते हैं। तो अंततः इस हमारे मार्ग में आने वाले नंबर्स तो हमेशा कम रहेंगे, लेकिन हमारी शक्ति बहुत बड़ी होगी। कैसी शक्ति? हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, जो अंततः गत्वा में जिसको फिर दूसरी तरह से कह रहा था पावर। पावर में ऐसा भी नहीं है कि सन्यासियों के पास में, भारत का तो हजारों लाखों वर्षों का इतिहास का हमें आंशिक रूप से बोध है, पूर्ण रूप से तो इसलिए नहीं कह सकते, सबके एविडेंस नहीं हमारे पास में। तो संख्या में कम रहते हुए भी सन्यासियों के पास सामर्थ्य बहुत रहा है, बहुत प्रकार का, और इसमें कम से कम सबसे पहले उनका अपना शारीरिक सामर्थ्य, उनका बौद्धिक सामर्थ्य, उनका वैज्ञानिक सामर्थ्य, उनका आध्यात्मिक सामर्थ्य, ये इसको अपने ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो सब के सब अपने शरीर पर काम करें, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ सबके शरीर इतने स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक गठीले इतने तेजस्वी कि हमको देख करके सन्यासियों को योगियों को ब्रह्मचारियों को देख करके दूसरों को ब्रह्मचारी योगी सन्यासी बनने की इच्छा हो, ऐसा हमारा बाह्य व्यक्तित्व भी होना चाहिए कि कोई हमें दूर से देखे अरे भाई मुझे भी ऐसा बनना है। देखो संसार तो पहले तो स्थूल दृष्टि रखता है, बाहर से देखता है ऐसा, और फिर अपना अपना सामर्थ्य इतना अधिक हम बढ़ा लें कि जो मैं तीसरी बात कह रहा था सॉफ्ट पावर, अब ये इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। बाकी चीज़ों के अंदर जैसे मैं सन्यासी होते हुए, वैसे तो मैं यदि मेरी नागरिकता पूछी जाए तो मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली मैं
वर्ल्ड सिटीजन हूँ, ऐसे में वो ऐसे कागजों में मैं इंडियन सिटीजन हूँ क्योंकि यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ का पासपोर्ट है, दुनिया तो कानून से चलती है। तो पेपर्स में मेरे पास यदि इंडियन सिटीजन मैं नहीं हूँ तो मैं दुनिया में कहीं नहीं जा सकता, और यदि इंडियन सिटीजन होकर के मेरे पास सॉफ्ट पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, तो मैं वर्ल्ड सिटीजन हो जाता हूँ, सारी दुनिया मुझे आदर देती है। आज भी मैं इंडियन सिटीजन लीगली होते हुए मैं स्पिरिचुअली वर्ल्ड सिटीजन हूं और सारी दुनिया मुझे ऐसे ही देखती है। और पूरी दुनिया के करीब 200 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं। अब इसमें आप लोगों में से मुझे ये काम करना है जो मैंने थोड़ा थोड़ा तो कभी कभी कहा है, कभी कभी मैंने अपने प्रबोधनों में भी कहा है कि करीब करीब मुझे 200-250 लोग ऐसे तैयार करने हैं जो अलग अलग देशों की भाषा जाने। जैसे कोरिया गुरुजी, वहाँ इंग्लिश से कोई बात ही नहीं कर सकता, 99% वहाँ पर लोग जो वहाँ की कोरियन भाषा उसी को बोलते हैं। जैसे अपने भारत में मणिपुर के अंदर गुरुजी, वहाँ मणिपुरी अलग भाषा है, अब असमिया अलग भाषा है, बांग्ला अलग, उड़िया अलग, चलो ये थोड़ी बहुत कुछ मिलती जुलती हैं, थोड़ी बहुत ही 3-4 भाषाएँ असमिया बांग्ला उड़िया, तो मणिपुरी बिल्कुल अलग है, नागालैंड वालों की भाषा बिल्कुल अलग है। ऐसे और कुछ देशों की तो आबादी ही 15-20-25 लाख की है, ज़्यादा नहीं है इससे। जैसे मॉरिशस है, पूरा देश ही कितना 15 लाख या 20 लाख की आबादी पूरे देश की, लेकिन देश है। लेकिन वहाँ तो चलो, वहाँ फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच चलती है वहाँ और हिंदी चलती है। अभी इस बार फिर बुलाया मुझे तो जा रहा हूँ फिर वहाँ बड़ा कैंप करने के लिए, 25-50 हज़ार लोगों का कैंप करने के लिए बात कर रहे हैं। तो कोरिया से लेकर के जापान से, अब जापानीज आपको सीखनी पड़ेगी। जापानीज लोग दुनिया में ऐसे हैं, 100% जापानीज में ही सब काम करते हैं, वहाँ की मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, बिजनेस की, और पूरा रिसर्च सब अपनी ही भाषा में करते हैं। गुरुजी कोई रिसर्च की लैंग्वेज भी वही है, टेक्निकल लैंग्वेज भी वही है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज भी वही है, सब कुछ है। तो आपको, आपने किसी ने जापानीज सीख ली, तो ये प्रयास हम सन्यासियों के माध्यम से भी करेंगे, और सन्यासियों से पूर्ति पूरी नहीं हो सकेगी तो कुछ प्रोफेशनल्स भी तैयार करेंगे। आगे पतंजलि यूनिवर्सिटी में मेरा विचार है कि दुनिया के लगभग कम से कम बड़ी बोली जाने वाली करीब 50 भाषाएं गुरु जी, तो कम से कम 50 भाषाओं का एक एक प्रोफेसर पहले रखेंगे, वो कम से कम जो है 20-25 को तैयार कर देगा और उस देश में जा करके फिर छोड़ देंगे तो उस देश को अध्यात्म सिखा देगा। जापानीज जानने वाले योगी भेज दिए, जो योग को, अध्यात्म को, वेदों को, दर्शनों को, उपनिषदों को, भारत की इस आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा को इसको समझते हैं और जो जीते हैं। खाली प्रोफेशनल से बात नहीं बनेगी, पढ़ाई जाती भाषाएं तो, जैसे GNU के अंदर सबसे ज़्यादा भाषाएं सिखाई जाती हैं, कितने 20-15 कितने भाषाओं का है भाई वहाँ GNU के अंदर, कई भाषाएँ हैं वहाँ, वहाँ यूरोप की कई भाषाएं हैं, नॉर्थ इधर पूर्वोत्तर माने पूर्व दुनिया के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दुनिया की सब काफ़ी भाषाएं वहाँ सिखाते हैं, लेकिन वो बिजनेस के लिए सिखाते हैं तो बिजनेस भी करते हैं। तो हमको तो इस मैंने कहा सॉफ्ट पावर, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के हमें दुनिया में लेकर के जाना है। तो इसके लिए एक देश के अंदर, जैसे मैंने कई, मैं कोरिया गया तो वहाँ एक लड़का अभिषेक, मैंने कहा बेटा आपने यहाँ क्या किया, बोले मेरे को जी मैं GNU के अंदर पढ़ा था, मैंने जो है ये कोरिया की भाषा सीखी वहाँ, उसमें मास्टर डिग्री की मैंने, और उसके बाद यहाँ आ गया, उसने करोड़ों रुपए का अपना, सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर लिया खाली एक भाषा के बल पर। तो उस, क्योंकि वो कम्युनिकेट करता है वहाँ की कंपनियों के साथ, यहाँ से यहाँ जो पूर्व फिर दुनिया के भारत से जो लोग जाते हैं उनको वहाँ, तो गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है, बाकी सोशल सेक्टर में भी करता है, और भाषा के आधार पर ही। खैर उसके तो फिर शादी भी कोरियन लड़की से हो गई, तो फिर वो तो उसके घर में ही तो संगम हो गया, फिर ये अलग कहानी है। खैर हमको अपने यहाँ जो छोटे पतंजलि बार गुरुकुलम में, इसलिए हम 5 भाषाएं तो इन्हीं को सिखा रहे हैं। आप अंग्रेजी जानते हो तो करीब दुनिया के 50 देशों में आप काम कर सकते हो, आप
चाइनीज भाषा जानते हो तो दुनिया के 50 देशों में काम कर सकते हो, स्पेनिश जानते हो तो पूरी दुनिया के करीब आप 50 से 70 देशों में जाकर के काम कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए भाषा बहुत बड़ा तत्व है। खाली भाषा ये बोलने का ये वो नहीं है, इसके पीछे तो धर्म, अध्यात्म, व्यापार, राजनीति सब कुछ चलती है। अब भारत में किसी को राज करना, हिंदी नहीं आती है तो राज ही नहीं कर सकता, उसको सीखनी पड़ेगी। ये साउथ वाले कई बार क्रिटिसिज्म करते हैं कि ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर से क्यों बन जाते हैं। अब यहाँ जब वो बात कहते हैं तो करीब 70% लोगों को कम्युनिकेट कर देते हैं अपनी बात। अब वो यदि बात करते हैं तो यद्यपि वर्ल्ड में इंग्लिश बोलने वाला भारत भी शायद चौथे पांचवें नंबर पर पूरी दुनिया में देश है, पूरे वर्ल्ड में तो, लेकिन वो बोलने वाले थोड़े से लोग हैं ना, वो सरकार नहीं बना सकते। बोलने वाले हैं करीब 10-1% लोग बोलने वाले, 10 करोड़ भी बहुत बड़ी आबादी है। अमेरिका की 1/3 हो गई, यूके से के करीब हो गई, और इधर ऑस्ट्रेलिया से 3 गुनी हो गई, तो बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। करीब 10 से 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में अंग्रेजी समझने लग गए हैं, कम्युनिकेट नहीं करते बहुत अच्छे से, वो अलग बात है। खैर, तो आप लोगों को और सब तैयारियां करने के साथ साथ भाषा कम से कम इंग्लिश के ऊपर तो हम अधिकार कर लें। जिनके पास बौद्धिक सामर्थ्य है वो फ्रेंच भी सीख लें, जर्मन भी सीख लें, या एक दो भाषा ही सीख लें। अधिकार तो एक दो भाषाओं पर ही हो पाता है। फिर जिनमें अत्यंत प्रतिभा होती है वो 6-7 भाषाएं बोल लेते हैं, ऐसे बहुत से सन्यासी भी हुए हैं। तो अलग अलग तरह से, जैसे हमारे ये जो श्री राम जी के शिष्य थे, क्या नाम था उनका, वेद भारती जी को भी इतना उनके अंदर बौद्धिक सामर्थ्य था कि वो 7-8 भाषाओं में कम्युनिकेट कर लेते थे अपने बात, ऐसा उनमें सामर्थ्य। तो आप लोगों में भी संस्कृत के ऊपर तो, हिंदी भाषा पर तो आपका आधिपत्य हो गया है, वैसे उस पर भी आधिपत्य, मतलब भाषा परिष्कृत भाषा, ऐसे नहीं संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा मतलब परिष्कृत भाषा, उसमें भी प्रामाणिक भाषा, उसका आधिपत्य भाषा के ऊपर, लालित्यपूर्ण भाषा, दूसरे के हृदय तक पहुंचने वाली भाषा, दूसरों की चेतना को जो है पूरा रूपांतरित कर देने वाली भाषा, ऐसी भाषा का भी बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। तो आपका हिंदी भाषा पर भी बहुत बड़ा आधिपत्य होना चाहिए, ऐसी इंग्लिश पर हो। जैसे मैंने देखा जो भारत में धार्मिक संस्थाएं हैं जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, उनसे करीब करीब 150 देश जुड़ गए गुरु जी, खाली इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से। चाहे वो पांडिचेरी का श्री अरविंद आश्रम है, चाहे वो ऋषिकेश के अलग अलग योगा के केंद्र हैं, चाहे वो जो है अभी मैं हार्टफुलनेस, वहाँ के जो पूज्य श्रद्धे कमलेश भाई दाजी बोलते हैं उनको, गुरुकुल के ही पढ़े हुए हैं गुरु जी, उनका भी वो रामचंद्र मिशन के नाम से चलाते हैं और हार्टफुलनेस मेडिटेशन कराते हैं, मैंने अपने वैदिक विचार से पूरा एकदम पूरा उसके साथ एकात्म है वो। मैंने जितने भी आध्यात्मिक आंदोलन चल रहे हैं उसमें, और जिनका इस समय बड़ा वर्चस्व है, थोड़ा बहुत तो बहुतों का है, उसमें अपने पतंजलि के सबसे करीब जो है मैंने हार्टफुलनेस को पाया, वो उनके प्रमुख अभी रामनवमी पर यहाँ आ भी रहे, आपको भी एक बार वहाँ पर लेकर के जाएंगे। हैदराबाद में गुरु जी करीब कितना 1500 एकड़ या कितना कितनी भूमि है वहाँ पर उन पर, और वहाँ करीब 40,000 लोगों के लिए उन्होंने रेसिडेंशियल व्यवस्था की हुई है, और वो लोग मौन ध्यान करते हैं करीब 1.5 घंटा सुबह शाम ऐसे, और उससे पहले उनका वो प्रशिक्षण देते हैं, तो सब एक साथ बैठ करके ध्यान करने के लिए वहाँ पर आते हैं। 40,000 लोग एक साथ बैठ करके, 20,000 लोग, 10,000 लोग, और विदेशों में 100, 200, 500, 1,000 के ग्रुप्स हैं, तो करीब 150 देशों में इंग्लिश में कम्युनिकेशन से उन्होंने 150 देशों तक अपनी बात को पहुंचा दिया। फिर वहाँ के लोग जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने वाले उस देश के 10-20 लोग होते हैं, वो जाकर के अपनी लैंग्वेज में फिर बातें कह देते हैं। तो एक व्यक्ति आया, उसने इंग्लिश में उस बात जो है अपने कम्युनिकेशन को समझा, और उसने जाकर के अपनी भाषा में वहाँ पर बात कहनी शुरू कर। जैसे कोरिया से व्यक्ति आया, इंग्लिश में उसने सीखा, वहाँ जाके कोरियन में कहना शुरू कर दिया। जापान से व्यक्ति आया, चाइना से व्यक्ति आया,
अलग अलग कंट्री, इटली से व्यक्ति आया, जर्मनी से, फ्रांस से व्यक्ति आया, वो अपनी भाषा इंग्लिश में सीख के गया, अपनी भाषा में वहाँ फिर कम्युनिकेट कर देता है। तो भविष्य में आने वाले 15-20 सालों में हमारा सपना है कि पूरी दुनिया के लगभग 200 देश पतंजलि योगपीठ की इस आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े हुए होंगे, ऐसे हमें सेवा करना है।